अब लावा ने अग्नि 3 के अंदर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस लगाया है, तो इसका एक प्रॉपर कैमरा जूम टेस्ट तो बनता है। ये सारे कैमरा सैंपल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कैप्चर किए गए हैं। चलिए एक एक करके सारे फोटोज और वीडियो देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेलाइट कंडीशन में कैप्चर किए हुए फोटोज को देख लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये डेलाइट कंडीशन में कैप्चर किया हुआ फोटोग्राफ है। ये 1x, ये 2x और ये 3x। और हाँ, ये 3x ऑप्टिकल जूम है, 30x डिजिटल जूम करने का भी ऑप्शन मिलता है, वो भी फोटोग्राफ हम आगे देखेंगे। सबसे पहले 1x फोटोग्राफ को हम देख लेते हैं। स्काई के ऊपर ध्यान दीजिए, स्काई को बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज या फिर व्हाइटी स्टोन ऐड करने की कोशिश नहीं की है। कलर्स को भी ठीक ठाक यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है। पर हाँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, जहाँ पे शैडोज वाला पार्ट है ना दोस्तों, वहाँ पे 1x फोटोग्राफी के अंदर ज्यादा ही काला या फिर डार्कर टोन ऐड करने की कोशिश लावा अग्नि 3 का कैमरा करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी 1x कंडीशन में अगर मैं फोटो को जूम करूँ तो डिटेलिंग अच्छी कैप्चर कर रहा है, एज डिटेक्शन भी यहाँ पे अच्छी है, तो कोई इशू नहीं है। 1x कंडीशन में लावा अग्नि 3 का कैमरा आपको अच्छे फोटोग्राफ कैप्चर करके देगा। 2x जूम अगर आप यहाँ पे करोगे तो क्या कुछ चेंज हुआ है, थोड़ा स्लाइटली लाइटिंग इशू का चेंज हुआ है, और तो ज़्यादा कुछ मुझे प्रॉब्लम या फिर चेंज नहीं लग रहा है। देखिए इस पार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा और बिल्डिंग के इस पार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा व्हाइटी स्टोन ऐड करता है, देखिए है ना, ये चेंज है, और कुछ मुझे उतना ज्यादा इशू नहीं लग रहा है। बाकी कलर प्रोसेसिंग वगैरह ठीक है, कोई इशू नहीं है। और 2x जूम के साथ व्हाइट डिटेलिंग आपके सामने है, अच्छी डिटेलिंग प्रोसेस कर रहा है लावा अग्नि 3 का कैमरा। इस डिटेक्शन वगैरह परफेक्ट ही मैं कहूंगा यहाँ पे 2x जूम के साथ अच्छे फोटोग्राफ लावा अग्नि 3 का कैमरा कैप्चर करके दे रहा है। चलिए 3x जूम वाला फोटोग्राफ हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हाँ, 3x जूम के साथ स्काई के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा स्काई को एकदम अलग ही पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया है लावा अग्नि 3 के कैमरा ने, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये इशू हो सकता है, थोड़ा कलर शिफ्टिंग का इशू हो सकता है। पर हाँ, डिटेलिंग में कोई इशू नहीं लग रहा है। 3x जूम में एज डिटेक्शन परफेक्ट है, अच्छी एज डिटेक्शन कैप्चर कर रहा है लावा अग्नि 3 का कैमरा। तो जी हाँ, सब्जेक्ट के ऊपर एज डिटेक्शन वगैरह का इसमें कोई इशू नहीं आना वाला है आपको। बस आ स्काई का ये जो कलर जो चेंज हुआ है पूरा का पूरा, उसी में इशू है, बाकी तो और कोई मुझे इशू नहीं लग रहा है लावा अग्नि 3 के टेलीफोटो लेंस के अंदर। चलिए अगली फोटोग्राफ हम देख लेते हैं। कौन सी फोटोग्राफ हम देखे, रात के अंदर कैप्चर किया हुआ फोटोग्राफ देख लेते हैं दोस्तों। अब ये नॉर्मल 1x 2x 3x। अब हाँ, चलिए 1x के अंदर अगर आप फोटोग्राफी करोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार की क्लियरिटी और डिटेलिंग वगैरह आएगी। कलर्स वगैरह को ठीक ठाक यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है टेलीफोटो लेंस, कोई उसमें इतना इशू नहीं है। पर हाँ, थोड़ी डिटेलिंग में प्रॉब्लम मुझे लग रही है। रात के अंदर डिटेलिंग उतनी ज़्यादा अच्छी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे लावा अग्नि 3 के कैमरा से, तो थोड़ा ये इशू है। बाकी 2x जूम के साथ अगर आप फोटोग्राफ खींचोगे तो क्या इशू आ रहा है, देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा लाइटिंग यहाँ पे ऐड करने की कोशिश 2x जूम के साथ करता है, जैसा कि हमारा डेलाइट कंडीशन में हुआ था वैसे ही सेम यहाँ पे भी हो रहा है। तो थोड़ी एक्स्ट्रा लाइट देखिए इस बादाम शेक वाले ठेले के ऊपर ध्यान दीजिए, ये लाइट के पोल के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसा डार्कर टोन में है और यहाँ पे एकदम ही एक्सपोज हुआ है, तो ये चेंज मुझे यहाँ पे 2x जूम के साथ लग रहा है। बाकी 3x जूम में डिटेलिंग ठीक है, कोई इशू नहीं है। और हाँ, लाइट्स को भी अच्छे से यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, ओवर एक्सपोज यहाँ पे लाइट सोर्स को नहीं किया है, तो इस बात से जरूर से मैं इंप्रेस हूँ लावा अग्नि 3 का कैमरा 3x जूम में भी अच्छी फोटो प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। बस वही एक इशू यहाँ पे जो है ओवर एक्सपोज या फिर ज्यादा लाइटिंग ऐड करने की कोशिश जो कर रहा है 2x जूम में, वही इशू है। ये शायद अपडेट के बाद लावा ने फिक्स करना चाहिए। लावा आप सुन रहे हो तो प्लीज इसे फिक्स कर देना। चलिए अगली फोटोग्राफ कौन सी देखिए, ह्यूमन शॉट देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे दिन के अंदर अगर आप 8 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस से फोटो कैप्चर करोगे तो देखिए यहाँ पे स्किन टोन को अच्छे से मैनेज कर रहा है। सबसे पहले स्किन टोन को ही देख लेते हैं आप, रेडिश टोन तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा व्हाइटिश टोन भी ऐड नहीं कर रहा है, डिटेलिंग भी अच्छी कैप्चर कर रहा है, तो अननेचुरल स्क्रीन टोन करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है लावा अग्नि 3 का कैमरा। बाकी डिटेलिंग अच्छी कैप्चर कर रहा है, तो अच्छे फोटोग्राफ्स आप टेलीफोटो लेंस से 1x जूम के साथ ले सकते हो। और हाँ, ये अगर आप 3x जूम करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स ले सकते हो ह्यूमन सब्जेक्ट के। हाँ, पोर्ट्रेट शॉट जरूर से आप जूम करते समय ले सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक इशू मुझे यहाँ पे लग रहा है जूम फोटोग्राफी के अंदर,
अब देखिए ये नॉर्मल हमारा 1x और ये जूम करने के बाद 1x जूम करने के बाद किसके ऊपर ध्यान देना है आपको, आपको यहाँ पे स्किन टोन के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। स्किन टोन को देखिए जूम करने के बाद रेडिश करने की कोशिश जरूर से लावा अग्नि 3 के कैमरा ने की है जी, या थोड़ा रेडिश टोन यहाँ पे स्किन के ऊपर ऐड करता है और वहाँ ऑब्वियसली ये फोटो प्रोसेसिंग के अंदर ही इशू हो रहा है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। डिटेलिंग वगैरह अच्छी कैप्चर कर रहा है, बैकग्राउंड को भी अच्छे से ब्लर कर रहा है। तो जी हाँ, अच्छे पोर्ट्रेट जूम फोटोग्राफ आप यहाँ पे लावा अग्नि 3 के कैमरा से कैप्चर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए रात के अंदर अगर आप फोटोग्राफ्स कैप्चर करोगे टेलीफोटो लेंस से तो कैसी आएंगे, ये अपना नॉर्मल 1x जूम ओके पोर्ट्रेट शॉट है ये, पोर्ट्रेट शॉट के अंदर एडिटेशन देखते हैं, एडिटेशन ठीक है कोई इशू नहीं है, स्किन टोन को भी अच्छा मैनेज कर रहा है। 1x जूम के अंदर कोई भी यहाँ पे रेडिश टोन या फिर एक्स्ट्रा व्हाइट स्टोन ऐड नहीं कर रहा है, अच्छे कलर्स को यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, स्किन टोन को भी अच्छा मैनेज कर रहा है। पर वही अगर हम 2x जूम वाली फोटोग्राफ देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा माइनर चेंज है, उतना नहीं दिखेगा आपको, पर इस पार्ट के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे ना तो स्किन के इस पार्ट के ऊपर थोड़ा रेडिश टोन ऐड करता हुआ दिख रहा है, बाकी उतना तो इशू मुझे नहीं लग रहा है, यही एक इशू यहाँ पे है। बाकी 3x जूम अगर आप करोगे तो रात के अंदर लिया हुआ ये ह्यूमन शॉट है तो डेफिनेटली यार रात के अंदर थोड़ी जो है क्लियरिटी लॉस होगी, और ये हमारे टेक्नोरेस भाई की टीम से है, इनका नाम नहीं पता मुझे, तो मैं सारे फोटोग्राफ्स टेक्नोरेस भाई टेक एंड टेक भाई की टीम से ही लेता हूँ जैसा कि आप सभी को पता ही है। बाकी 30x डिजिटल जूम है तो वो भी फोटोग्राफ हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है दोस्तों 30x डिजिटल जूम वाला फोटोग्राफ, देखिए मैक्सिमम जूम करोगे तो फोटो क्वालिटी उतनी तो अच्छी नहीं आने वाली, ये दोनों फोटोग्राफ 30x जूम के साथ कैप्चर किए हुए हैं, जरूर से ग्रेन आएंगे, फोटो क्वालिटी लॉस होंगी, तो 30x जूम आप बिल्कुल भी मत करिएगा, 30x जूम के साथ कोई फोटो और वीडियो भी कैप्चर मत करिएगा, बिल्कुल बकवास क्वालिटी की फोटोग्राफी आप आने वाली सीधा। चलिए एक वीडियो शॉट भी है हमारे पास लावा अग्नि 3 के कैमरा से कैप्चर किया हुआ, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, अब देखिए ये नॉर्मल कंडीशन और फिर अगर आप जूम करोगे एकदम एक्सट्रीम जूम करोगे तो कुछ इस प्रकार की वीडियोस आप अग्नि 3 के कैमरा से कैप्चर कर पाओगे, ऑब्वियसली क्वालिटी लॉस होगी यार, उतनी परफेक्ट क्वालिटी आपको वीडियोस के अंदर नहीं मिलने वाली है इसके कैमरा के अंदर, तो क्वालिटी तो लॉस होगी। कुछ इस प्रकार के जूम वीडियोस आप यहाँ पे लावा अग्नि 3 के कैमरा से कैप्चर कर पाओगे, बाकी फोटोग्राफ्स तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, कोई इशू नहीं है, 1x जूम कंडीशन में अच्छे फोटोग्राफ कैप्चर कर पाओगे। पर हाँ ये जो ह्यूमन शॉट है ना इसमें ही इशू है कि रेडिश टोन ऐड करने की कोशिश करता है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स को आप कैप्चर करोगे तो उनकी डिटेलिंग अच्छी आएगी। अगर आपको लावा अग्नि 3 T3 अल्ट्रा से क्यों बेहतर है ये जानना है तो ऊपर वाला वीडियो देखिए, और हाँ लावा अग्नि 3 के सारे कैमरा सैंपल, अल्ट्रा वाइड कैमरा सैंपल, मेन कैमरा सैंपल्स देखने के लिए नीचे वाला वीडियो देखिए। मैं मिलूंगा आपको अगले एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।